हेलो स्टूडेंट्स, एडवांस कैलकुलस में जो फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन, उससे रिलेटेड कुछ हमारे पास डाउट्स होते हैं जिनको आज हम कोशिश करेंगे क्लियर करने की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिमिट की। लिमिट की, कंटिन्यूटी की, और डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, इन तीनों के बारे में कुछ बातें डिस्कस करेंगे जो बच्चों को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले बात करते हैं हम लिमिट की। देखिए, हमारे पास लिमिट के बारे में बात करने से पहले हम देखेंगे एक फंक्शन लेके चलते हैं। हम कोई भी फंक्शन, हमारे पास एफ फंक्शन है, हम बात करते हैं किसी फंक्शन के डिफाइंड होने की। कोई फंक्शन डिफाइंड है, कोई भी फंक्शन की डिफाइन होने का मतलब ये नहीं है कि वो फंक्शन हमारे पास उसकी लिमिट को सेटिस्फाई करता है। लिमिट एग्जिस्ट करने से फंक्शन डिफाइंड नहीं होता। फंक्शन के डिफाइन के लिए हमारे पास उस फंक्शन का कंटिन्यूस होना जरूरी है। मेरी बात समझो बच्चे, क्या कह रहा हूँ मैं। फंक्शन के डिफाइन होने का मतलब ये नहीं है कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। इसमें हम ये बात कहेंगे कि एक फंक्शन की, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन डिफाइन होता है, इफ ए फंक्शन इज नॉट डिफाइन एट x इज इक्वल टू ए, देन इट्स लिमिट एट x इज इक्वल टू ए मे और मे नॉट एग्जिस्ट। तो हमारे पास क्या हुआ, अगर कोई फंक्शन डिफाइन नहीं है तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। अगर मैं कह देता हूँ कि किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है किसी पॉइंट ए पर, मान लीजिए x इज इक्वल टू ए के ऊपर कोई फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर गई, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फंक्शन भी डिफाइंड हो गया। ओके बच्चों, लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये है हमारे पास कि मान लीजिए लिमिट x टेंस टू a, मान लीजिए कोई फंक्शन ले लिया एफ एक्स, ये हमारे पास कोई वैल्यू आ जाती है, फाइनाइट वैल्यू आ जाती है, तो हम ये बात कह देते हैं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर गई। हमारे पास और भी मेथड होते हैं कि इसको राइट हैंड से चेक कर लेते हैं और लेफ्ट हैंड से चेक कर लेते हैं। अगर हम ग्राफिकली अगर बात करते हैं हमारे पास, तो ये मान लीजिए कोई पॉइंट ए दे रखा है हमारे पास, इसके नियर अबाउट वैल्यू चेक करते हैं हम, यहाँ से अप्रोच करती है और यहाँ से, ये लेफ्ट हैंड साइड से ए को अप्रोच करती है और राइट हैंड साइड से अप्रोच करती है, नियर अबाउट होती है हमारे पास। तो डिफाइन के लिए आपको ये बात क्लियर हो गई है कि अगर किसी की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम ये नहीं कहते कि फंक्शन डिफाइंड है। अगर मैं कंटिन्यूस के ऊपर आता हूँ तो हमारे पास एक कंटिन्यूस फंक्शन जो होता है हमारे पास, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि कोई फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है और मैं कहता हूँ कि ये फंक्शन क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू ए के ऊपर, यानी कि एफ एक्स जो फंक्शन है x इज इक्वल टू ए के ऊपर क्या है, ये कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस होने का मतलब ये है बच्चों कि ये हमारे पास एफ x जो है इसकी हमने क्या ली, लिमिट ली x टेंस टू a, ये हमारे पास किसके बराबर आया, f a के बराबर आया।
तो ये हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन के लिए हम ये चीज अप्लाई करते हैं, ये हमारे पास बराबर होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, इफ फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट ए इफ एफ इज डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू ए। अगर हमारे पास क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू ए पे वो डिफाइन होगा एंड दिस कंडीशन होल्ड। तो ये हमारे पास क्या है, इट मींस हमारे पास क्या है कि हम यहाँ पे अगर चेक करते हैं, देखिए हमारे पास इसके अंदर अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो या तो फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी या फिर हम कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये दोनों बराबर आ जाए तो हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है। कंटिन्यूस के अंदर हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगी राइट हैंड लिमिट और ये बराबर होगा हमारे पास जो वैल्यू आएगी एट द पॉइंट, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू ए पे। ओके, ये तीनों बराबर होंगे हमारे पास। तो ये हमारे पास किसके लिए है, कंटिन्यूस के लिए। तो आपको लिमिट और कंटिन्यूटी के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा बच्चों। तो इसी में अगर मैं दोनों में बात करता हूं कि एक कंटिन्यूस फंक्शन इज, एक कंटिन्यूस फंक्शन जो है हमारे पास है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो आंसर होगा यस, उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी क्योंकि यहां पर हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है कंटिन्यूस फंक्शन के अंदर। बट एक लिमिट जिसकी एग्जिस्ट कर रही है वो जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूस फंक्शन भी हो। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है डिफरेंशिएशन का, वो क्या है हमारे पास, सेम हमने वैसे ही बात करनी है, डिफरेंशिएशन हमने की हुई है। डिफरेंशिएशन, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कोई फंक्शन हमारे पास अगर हम बात करते हैं कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है देन हमारे पास केस क्या होगा, इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास चेक करेंगे उस पॉइंट पे कि वो हमारे पास क्या वैल्यू दे रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए मैं क्या कहता हूं कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट द पॉइंट कोई पॉइंट ले लेते हैं आपां, मान लीजिए x इज इक्वल टू कोई c पॉइंट ले लिया मैंने, इसके ऊपर वो डिफरेंशिएबल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, लिमिट लेके चलेंगे अपन h टेंस टू जीरो f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c बाय में h। अगर ये हमारे पास एग्जिस्ट करता है तो हम क्या कहेंगे कि इस फंक्शन की, ये फंक्शन क्या हो गया हमारे पास, डिफरेंशिएबल हो गया। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया तो इसको थोड़ा सा और अपना अगर ध्यान से देखते हैं बच्चों, इसके अंदर हम फाइंड आउट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, दोनों हमारे पास अगर बराबर आ जाती है तो हमारे पास क्या हो जाता है,
डिफरेंशिएबल हो जाता है। दोनों बराबर आ जाएंगी ये तो बात ठीक है, बट वो हमारे पास क्या होने चाहिए, फाइनाइट वैल्यूज भी होनी चाहिए, तो ही हम क्या कहेंगे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो सबसे पहली बात तो हमारे पास लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की होगी। बच्चों आप एक बात का जरूर ध्यान रख लेना, डिफरेंशिएबिलिटी का जो कंसेप्ट है हमारे पास, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस भी होगा, उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, बट वो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो। तो ऐसे करके एक एक स्टेप है हमारे पास। दूसरी जो प्रॉब्लम हमारे सामने आती है वो है हमारे पास अपर बाउंड और लोअर बाउंड। अपर बाउंड और लोअर बाउंड तो बच्चों समझ में आ जाता है आपको क्या है, मैंने डेफिनेशन भी आपको कई बार करवाई है इसकी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्या होते हैं हमारे पास। मैं एक फंक्शन लेता हूं, लेट एफ बी ए फंक्शन। ये फंक्शन है जो डिफाइन किया गया है ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। ओके, ये फंक्शन डिफाइन है ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। तो मैं क्या कहूंगा कि एफ इज बाउंडेड ऑन इंटरवल ए टू बी इफ देयर एग्जिस्ट मैं दो नंबर लेके चलता हूं बच्चों, एक तो मैंने ले लिया m एंड एक ले लिया कैपिटल m, एक स्मॉल m और कैपिटल m, सच दैट ये दो नंबर इस तरह से हैं कि जो हमारे पास फंक्शन है वो लाई करता है हमारे पास स्मॉल m और कैपिटल एम में। ओके बच्चों, यहां पे अब हमारे पास ये जो एम है वो डिनोट करेगा लोअर बाउंड को और कैपिटल एम जो डिनोट करेगा हमारे पास अपर बाउंड। ओके, यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया लोअर बाउंड और ये हो गया अपर बाउंड। नॉर्मली अगर हम कोई इंटरवल लेके चलते हैं, मान लीजिए टू एंड थ्री, कोई भी इंटरवल ले सकते हो आप, जैसे मैंने टू और थ्री ले लिया, इसको मैं मान लीजिए आप एक रियल लाइन लेके चलते हैं, हमारे पास ये पड़ा है, यहाँ पे मैंने टू ले लिया, ये यहाँ पे मैंने थ्री ले लिया। ओके, आपको पता है, हाँ जी, मैं बात करता हूं अपर बाउंड के। बच्चों अपर बाउंड किसे कहेंगे, यहां पे मैंने लिखा था कि m जो है लेस देन इक्वल टू एफ एक्स, लेस देन इक्वल टू एफ एक्स से यानी कि हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास वो हमें क्या दे रही, उससे नीचे नीचे, इट मीन्स मैं क्या कहना चाहता हूं कि इस जैसे टू है हमारे पास, टू से नीचे नीचे जितनी भी वैल्यूज हैं, ओके, टू को इंक्लूड करते हुए इससे नीचे जितनी भी वैल्यूज हैं हमारे पास, ये इसके लिए क्या है लोअर बाउंड, क्या है हमारे पास लोअर बाउंड। ओके, और थ्री प्लस ऑल अब वैल्यू फ्रॉम थ्री, जो अपर वैल्यूज हैं थ्री से और थ्री को इंक्लूड करते हुए, ये हमारे पास क्या है
अपर बाउंड, अपर बाउंड। ओके, ये किसके लिए बाउंड है हमारे पास? फंक्शन के लिए। तो हमने ये नहीं कहना कि थ्री है हमारे पास, थ्री प्लस जितने भी इसके ऊपर जितने भी टर्म्स हमारे पास हैं वो सारे के सारे क्या है हमारे पास? अपर बाउंड है। आपको अपर बाउंड और लोअर बाउंड में डिफरेंस क्लियर हो गया बच्चों? अब इसको थोड़ा सा और आके प्रोसीड करते हैं अपन। अपर बाउंड और लोअर बाउंड के बाद आ जाता है हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड की बात जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या होता है? लीस्ट अपर बाउंड का एक और नाम भी है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं सुप्रीमम। सुप्रीमम, तो अगर लीस्ट अपर बाउंड हो चाहे सुप्रीमम हो एक ही बात है बच्चों। इसी सेट के अंदर हम समझेंगे कि यहां पे हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड क्या है। हमारे पास देखिए अपर बाउंड तो हो ही गया, अपर बाउंड में अपन ने क्या पढ़ा अभी? अपर बाउंड में ये थ्री और थ्री से ऊपर वाली सारी टर्म अपर बाउंड में इंक्लूड है। अब लीस्ट का मतलब, देखो लीस्ट का मतलब होता है छोटे से छोटा। तो मैं क्या कहूंगा कि इसमें से देखो ये जो अपर बाउंड है ना, जितना भी है थ्री से लेकर आगे जितना भी है, उसमें से सबसे छोटा कौन सा है? तो यहां पे हम देख रहे हैं कि उसमें सबसे छोटा कौन सा हो गया? थ्री हो गया। थ्री क्या हो गया हमारे पास? लीस्ट अपर बाउंड हो गया बच्चों। ये थ्री जो है हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड हो गया। इसी तरीके से मैं बात करता हूं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है बच्चों, उसको हम इन्फिमम भी बोलते हैं, इन्फिमम भी बोलते हैं बच्चों, इन्फिमम बोलते हैं। और देखो इसका क्या मतलब है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड? देखिए लोअर बाउंड की बात करते हैं, एक बार लोअर बाउंड पे चलते हैं। पर ये है हमारे पास, मैंने बताया था टू और टू से जितनी भी नीचे क्वांटिटीज हैं वो सारी की सारी क्या है हमारे पास? लोअर बाउंड में इंक्लूड है। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का क्या मतलब हुआ? ग्रेटेस्ट का मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ा, देखो सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा। देखो ये जो है लोअर बाउंड है, इसमें से सबसे बड़ा कौन सा नंबर है बच्चों? ये टू ही नंबर जो है वो सबसे बड़ा है, इसको बोलेंगे पर टू क्या हमारे पास? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ओके, कोई डाउट तो नहीं है? देखो हमारे पास आपको क्लियर हो रही है बातें? थ्री से ऊपर जितनी भी टर्म्स थी हमारे पास वो क्या कहला रहे थे? अपर बाउंड। जब हम पहुंचे लीस्ट अपर बाउंड पे यानी कि सुप्रीमम पे, तो थ्री जो है हमारे पास वो क्या है? सबसे छोटा है, अपर बाउंड में से सबसे छोटा क्या है? थ्री है। इसी तरीके से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की, लोअर बाउंड में हमने ये देखे सारे के सारे, जब हमने इसमें सबसे बड़े की बात की तो हमारे पास टू आ गया। ये तो हमने बात कर ली किसके लिए हमारे पास? एक क्लोज सेट के लिए। मैं अब बात करता हूं, मान लीजिए हमारे पास ओपन सेट है टू एंड थ्री। ओके, तब क्या हमारे पास केस होगा? क्योंकि यहां पे हम देख रहे हैं कि टू और थ्री तो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, तो हमारे पास कैसे लिखेंगे इसको? इसके लिए भी सेम ही केस रहेगा। इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। जब हम बात कर रहे हैं सुप्रीमम की यानी कि लीस्ट अपर बाउंड, देखिए हमारे पास, मैं कहता हूं कि ये थ्री नंबर जो है हमारे पास जो ले रखा है, देखो इसमें इसमें हमने अब इसको ओपन में कन्वर्ट कर दिया है यानी कि थ्री इसमें इंक्लूड नहीं है। अगर थ्री इंक्लूड नहीं है तो अब हम क्या करें? देखिए हमारे पास, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, ये अपर बाउंड हो गया, ये लीस्ट नंबर हो गया बच्चों। लीस्ट में यहाँ पे अगर मैं पूछूँ कि थ्री से ऊपर
कौन सा नंबर है, क्योंकि हमने क्या करना है, थ्री से ऊपर वाले नंबर उठाने हैं ना। ये सारे के सारे क्या बन रहे हैं, मान लो 3.0001, यानी कि बहुत निगलिजिबल क्वांटिटी तक मैं पहुंच सकता हूँ। कितनी मर्जी जीरो लगा लूँ, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि थ्री से अबव एक जो सबसे छोटा नंबर है वो कौन सा नंबर है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, थ्री को ही हम क्या कहते हैं, लीस्ट अपर बाउंड कह देते हैं। सेम प्रोसेस मैं अप्लाई करता हूँ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के साथ। कैसे कि अब मेरे पास टू से, देखिए अब हमारे पास नीचे जाते हैं, क्या होगा 1.9999। हम कौन सा छोटा नंबर लें, क्योंकि हमने क्या करना है टू वाले केस में, लीस्ट अपर बाउंड, छोटा कौन सा होगा, लीस्ट और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, छोटों में से सबसे बड़ा। सबसे बड़ा अब हमारे पास डिफाइन नहीं कर सकता मैं कितना है, तो मेरे पास टू से नीचे सबसे छोटा नंबर क्या होगा मेरे को नहीं पता, नियर अबाउट। तो हम क्या करते हैं, टू को ही हम क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ये हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड के बारे में हमने डिस्कस की है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो बच्चों डिस्कस कर लेंगे हम, बट फिलहाल ये आप करना। और देखिए हमारे पास नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम, एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं ओपन सेट के बारे में। ओपन सेट होता क्या है, सेट सबसे पहले हमें सेट के बारे में पता होना चाहिए बच्चों। हमने जैसे 11th में पढ़ा हुआ है सेट, सेट क्या होता है, अरेंजमेंट होती है नंबर्स की, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ नंबर्स आपने पढ़ा होगा बच्चों। जैसे मैंने ये नंबर्स डिनोट कर दिए, एक सेट है हमारे पास, इसको मान लीजिए हमने ए नाम दे दिया। तो यहाँ पे मैं अगर डेफिनेशन की बात करता हूँ ओपन सेट की, तो वो हमारे पास क्या है, ए सेट, कोई मैंने सेट ले लिया ए, ए सेट इज सबसेट ऑफ आर, आर आर रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर्स को। इसको हम, इस सेट को मैं ओपन सेट कब कहूँगा, ए को मैं, ए इज ओपन सेट, ए इज सेड टू बी ओपन। कब कहेंगे, इफ ए इज नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स, ऑल इट्स पॉइंट्स। ए सेट क्या होगा, नेबरहुड होगा ऑल इट्स पॉइंट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके जितने भी पॉइंट हैं उसका ए क्या होना चाहिए, नेबरहुड होना चाहिए। डेफिनेशन आपको आपने पढ़ लिया, बट क्लैरिफाई नहीं हो रहा कि नेबरहुड इट्स ऑल पॉइंट्स का क्या मतलब होता है हमारे पास। इसके लिए एक छोटा सा एक और डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, जिससे आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ए इज सबसेट ऑफ आर इज सेड टू बी ओपन, इज सेड टू बी ओपन, सेड टू बी ओपन इफ फॉर ईच ईच अल्फा बिलोंग्स टू ए, ईच अल्फा बिलोंग्स टू ए, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। एक बार मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, सच दैट अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन इज सबसेट ऑफ ए। अब यहां से आपको क्लियर होगा कैसे, देखिए ए इज सबसेट ऑफ आर, यानी कि ए को मैं ओपन कब कहूँगा,
जब मेरे पास इफ फॉर ईच सभी अल्फा, यानी कि मैंने क्या किया कि उस सेट ए में से अल्फा, कोई भी अल्फा हो सकता है, फॉर ईच सभी के लिए, ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हमारे पास है, यानी कि उसके लिए मैंने अल्फा ले लिया, जिसके लिए हमारे पास देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, उसके लिए हमारे पास कोई एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा, सच दैट कैसा एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा कि देखिए हमारे पास, मैं एक रियल लाइन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, मान लीजिए मेरे पास ये अल्फा है और इस साइड पे जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस एप्सिलॉन यहाँ पे। एक्चुअली ये स्पेस बहुत कम होता है क्योंकि एप्सिलॉन की क्वांटिटी पहले से बहुत कम होती है, बट यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ा सा हमने स्पेस दिखाना पड़ता है हमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस एप्सिलॉन। ओके, तो क्या हुआ हमारे पास, ये एक सेट बन गया, ओपन सेट, क्या बन गया, ओपन सेट। ये कह रहा है कि ये जो सेट होगा वो सब सेट होगा किसका, ए का। यानी कि क्या हुआ कि ए के जो ए सेट था हमारे पास, उसके अंदर कोई भी नंबर आपने उठा लिया, फॉर ईच सभी के लिए, अगर मैं बात करता हूं, मान लीजिए हमारे पास एक सेट ले लेते हैं वन और टू का, ऐसे करके सेट ले लिया। अब मैं बात क्या करता हूं यहां पे, इसमें से कोई भी वन और थ्री ले लेते हैं बच्चों पा, इसमें से मान लो मैंने टू उठा लिया अपने, और वो टू जो है, मान लो देखो ऑब्वियसली बात है, टू भी उठा सकते हो, 1.1 भी उठा सकते हो, 2.9 भी, कोई भी नंबर उठा सकते हो। ये कह रहा है कि फॉर ईच अल्फा बिलोंग्स टू ए, मान लो मैंने टू उठा लिया तो टू यहां पे आ गया हमारे पास। ओके, टू से एप्सिलॉन कोई एग्जिस्ट करवाया, जो देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, आपको पता है एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, नियर अबाउट टू जीरो, और इट मीन्स मैं इसमें से मान लीजिए एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे कोई क्वांटिटी है और यहाँ पे टू प्लस एप्सिलॉन ले लिया मैंने। ओके, तो ये जो ओपन सेट बनेगा, यानी कि इसके जो पॉइंट होंगे सारे के सारे किस में आने चाहिए, आपके उस सेट ए में मिलने चाहिए। अब दोबारा से मैं ऊपर वाली डेफिनेशन पे जाता हूँ, क्या कह रहा था वो कि ए सेट ए इज द सबसेट ऑफ आर इज सेड टू बी ओपन सेट इफ ए इज नेबरहुड ऑफ, ए क्या होना चाहिए हमारे पास, नेबरहुड होना चाहिए ऑल इट्स पॉइंट। तो हमारे पास ये जो ए है, क्या वो नेबरहुड है, क्योंकि इसके जितने भी पॉइंट है हमारे पास, मान लो कोई भी नंबर उठा लेना आप, उसके नियर अबाउट जितने भी नंबर आएंगे नेबरहुड के अंदर, वो क्या होगा, वो ए क्या बन जाएगा, उसके लिए नेबरहुड बन जाएगा उन सभी पॉइंट्स के लिए। तो क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे, ये जो सेट बनेगा टू माइनस का एप्सिलॉन और टू प्लस का एप्सिलॉन, ये सेट भी किस में होगा, ए में होगा, सॉरी सबसेट वो बिलोंग नहीं करेगा, सबसेट होगा, एलिमेंट बिलोंग करते हैं और सेट दूसरे सेट के सबसेट, ऐसे बनते हैं हमारे पास। ये बात होगी हमारे पास किसके लिए, ओपन सेट के अंदर। अब बात करते हैं क्लोज्ड सेट की। क्लोज्ड सेट क्या होता है हमारे पास, एक सेट को हम क्लोज्ड सेट कब कहेंगे, जब हमारे पास मान लीजिए एक सेट ए सेट हमने कह दिया, मान लो कि ये हमारे पास ओपन है, ए इज ओपन, ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा इज क्लोज्ड, सिंपल। तो ये हमारे पास क्लोज्ड सेट हो गया। ये कुछ प्रॉब्लम्स जो बच्चों को आती हैं वो आज अपन ने डिस्कस की थी। थैंक यू आज के लिए।